एवरी वन वेलकम टू अभिमन्यू आई एस माई नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट द पॉइंट एक ऐसी सीरीज है जहां पर हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं एक टॉपिक उठाकर और उससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है इस वीडियो के थ्रू जो कि आपकी प्रिलिम्स के अंदर रेलिवेंट होती है दिस पर्टिकुलर सीरीज इज ओनली रेलिवेंट फॉर योर प्रिलिम्स एग्जामिनेशन चाहे वो आपका यूपीएससी का हो चाहे वो आपको किसी स्टेट एग्जामिनेशन का हो किसी भी पीसीएस का हो जैसे अभी हरियाणा का आने वाला है एच आने वाला है राइट पंजाब का पेपर वो भी जल्दी जल्दी आने वाले हैं हिमाचल के एग्जाम जैसे होते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के उनके लिए ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इनकेस अगर आप खुद भी प्रिपेयर नहीं करते उन एग्जामिनेशन के लिए तो ये एक रेलिवेंट वीडियो है तो जो आपके नोन में किसी सर्कल में आपका जो इसकी प्रेपरेशन करते हैं उनको एक बार जरूर ये लिंक जरूर आप भेजिएगा ताकि उनका शायद फायदा हो जाए राइट चलिए तो आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सीधा मुद्दे की बात और सीधा टॉपिक पर चलते हैं। एक नया ट्रांस पैसिफिक ट्रेड पार्टनरशिप है राइट ये नया तो नहीं है पर क्यों ये न्यूज में आया कि इसको रिसेंटली ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है ब्रिटेन जो है उसने डिसाइड किया है कि वो सीपीटीपीपी को जो है वो ज्वाइन करेगा क्या है सीपीटीपीपी इट स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप देखो कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ये थोड़ा सा आपको ओवरडन सा नाम लग रहा है ना इसके पीछे भी एक कारण है जब ये शुरू हुआ था तो ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप था इट वॉज सिंपली कॉल्ड टीपीपी US, इसका पार्ट था ओबामा की गवर्नमेंट ने साइन भी कर दिया था लेकिन ट्रम्प गवर्नमेंट ने आते ही फर्स्ट डे इन ऑफिस इसको खारिज कर दिया था कि हम इस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है उसके बाद में इसका जो नाम है वो चेंज किया था और जो इसके अलावा बची हुई कंट्रीज थी बाकी इलेवन कंट्रीज जो थी उन्होंने दे वेंट फॉरवर्ड विद इट और इस पार्टनरशिप को आगे लेके गए और जो ब्रिटेन है ये इसका बारहवा मेंबर जो है वो बनने वाला है तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन क्या है क्या करेगी और कौन कौन सी वो ग्यारह कंट्रीज हैं जो कि इसका पार्ट है आपसे अगर के अंदर कोई सवाल आएगा आएगा तो तो वो या तो आएगा कि इसमें ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ पार्ट है ना इंडिया इसका पार्ट नहीं है पहले तो सीधा वही क्लियर करते हैं नॉट अ पार्ट वाला क्वेश्चन uh, आ सकता है या फिर कोई ओवरलैप करता हुआ सवाल आ सकता है कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि एश, एशियान में भी हैं आरसेप में भी हैं और साथ में हमारे सीपी टीपीपी के अंदर भी है राइट तो इसका भी एक आपको मैं एक फिगर है हमारे पास बोनस uh, लाइट वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि वो आपके प्रीलियम के अंदर डेफिनेटली उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा अभी हम चलते हैं इस टॉपिक में आगे तो अगर कोई बच्चा नया है मतलब नया इन द सेंस की यूपीएससी की प्रेपरेशन के अंदर नया नया आया है और उसके मॉड्यूल्स नहीं हुए हैं खासकर इकोनॉमिक्स नहीं हुआ है तो लेट्स बिगिन विथ वॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज राइट ट्रेड आपको पता है लेन देन है ना बिजनेस uh, करना दो कंट्रीज के बीच में उसको ट्रेड कहा जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाती हैं है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं उस कंट्री में सामान बेचना चाह रहा हूं है ना या अपनी सर्विस बेचना चाह रहा हूं और उसमें हमारे और उनके बीच में एफटीए होगा तो मेरे ऊपर गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस कम लगेंगी दोनों ही कंट्रीज में मेरे को वहां जाने में भी कम झंझट में रेड टेपिजम में कम फंसना पड़ेगा वहां पर भी मेरे को कम फंसना पड़ेगा ठीक है तो एफटीए का ये फायदा होता है दोनों इकोनॉमीज को बहुत फायदा होता है प्रोजन कॉन्स हैं इसके वो हम इस वीडियो में नहीं करेंगे सो इन केस अगर आप इस टाइप की वीडियो या इस टाइप के टॉपिक में डिटेल में जाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका करंट अफेयर वंस एंड फॉर ऑल कवर हो जाए तो देर इज दिस कोर्स विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन एट अभिमन्यूएस उसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं अभी पहले हम टॉपिक पे चलते हैं मेन मुद्दा पहले अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थोड़ा सा कॉन्टेक्ट टाइप या थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं पहले की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफ टी ए होता क्या है इज अ पैक्ट बिटवीन टू और मोर नेशंस लिए टू रिड्यूस बैरियर टू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ठीक है अमंग दम जिनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है उनके बीच में जो बैरियर होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे उसको जो है एफ कम कर देता है रिस्ट्रिक्ट कर देता है थोड़ा रोक देता है अंडर अ फ्री फ्री ट्रेड ट्रेड एग्रीमेंट पॉलिसी गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी बॉट एंड सोल्ड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर विद लिटिल और लिटिल और नो गवर्नमेंट टेरिफ्स कोटा सब्सिडीज और प्रोहिबिशन टू इनिबिट देयर एक्सचेंज और नो गवर्नमेंट लिटिल गवर्नमेंट लिटिल गवर्नमेंट रोल हैं है ना उसके ऊपर आप FTA इतना खुले नहीं कर सकते हो हर कंट्री का अलग से एक लॉ होता है अलग एक रूल होता है तो लिटिल का मतलब यहां पे वो है तो एफ टी आई आप समझ गए कि दो नेशंस के बीच में ट्रेड हो रहा है राइट चलिए द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड इज द ऑपोजिट ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म और इकोनॉमिक आइसोलेशन है ना ट्रेड मतलब प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करते हैं क्या कहने का मतलब है कि इन केस अगर बाहर से कोई FTA के थ्रू आपको सामान बेचना शुरू कर दे यहां लेटेस्ट से वो एक टूथब्रश ही बेच रहा है राइट तो एक टूथब्रश आपको बेचने अगर वो आ गया तो आपके घर में भी टूथब्रश बन रहा था यहां की इंडस्ट्रीज भी टूथब्रश बना रही थी तो इनको उनके साथ कंपीट करना पड़ेगा राइट तो ये ओपोजिट है जब हम बाहर की कंपनीज uh, को नहीं आने देते सिर्फ अपनी ही कंपनीज को हम प्रमोट करते हैं इसका मतलब वी आर प्रोटेक्टिंग आर इकोनमी वी आर प्रोटेक्टिंग आर इंडस्ट्रीज है ना तो इसको बोलते हैं ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म राइट तो इसके ऑपोजिट है इसमें हम बोल रहे हैं कि नहीं फ्री ट्रेड है आप भी करो हम भी करते हैं राइट या फिर उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक आइसोलेशन कि यार हम नहीं करेंगे बाहर से ट्रेड हमारा कोई किसी से लेन देन नहीं है हम आपस में ही देख लेंगे ना तो वो आइसोलेशन में चले जाते हैं तो ये उसका ऑपोजिट होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चलिए चलिए अब आगे चलते हैं आज के टॉपिक पे जो कि है ये एग्रीमेंट के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप देखो ट्रांस पैसिफिक तो आपको नाम से पता लग रहा होगा कि ये जो कंट्रीज हैं वो पैसिफिक के अराउंड ही होंगी राइट तो आपको इस मैप में भी समझ में आ रहा होगा कि जो कंट्रीज है, है ना वो ये है आपका पैसिफिक क्वेश्चन पूरा है ना तो इसके अराउंड ही आपको देखने को मिलेंगी एक बस आपका जो यूके है वो आपको अलग से जो है देखने को मिलेगा वो आपका ट्रांस पैसिफिक नहीं आता है अदर देन दैट आपका पेसिफिक कराउंड नहीं आता है अदर देन दैट आपको सारी दिखेंगी जो येलो में मार्ग है बेसिकली आपको रिप्रेजेंट करती है कि जिन्होंने अप्लाई किया होगा तो चाइना हैज अप्लाइड कि हमको भी इसका पार्ट बना लो पर क्योंकि चाइना कर देगा मार्केट तो अभी तक उनकी जो है मंजूरी नहीं चाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट एज ऑफ नाउ चलिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज दिस वन

मेंबर्स कौन कौन से हैं थोड़ा मैप में भी साथ साथ देखते रहना ऑस्ट्रेलिया ब्रूनी द किंगडम ऑफ ब्रूनी वी हैव हैव वी जापान मलेशिया मेक्सिको वी हैव न्यूजीलैंड पेरू सिंगापुर एंड वियतनाम राइट इसमें जो मेंबर्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा रखे हैं आप अगर किसी और तरीके से लगाना चाहो कॉन्टिनेंट वाइज या जिस तरीके से आपको याद रहता है वो करिए लेट्स काउंट ग्यारह हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट राइट इलेवन right? और अगर ब्रिटेन का जैसे उन्होंने डिसाइड किया है, तो वो इसके साथ में बारवा आपको, आपको जुड़ता हुआ दिख जाएगा आग, न्यूज आ जाएगी वैसे पर अभी इसको, राइट नाउ हम इसको डन कर देंगे ब्रिटेन विल बी फर्स्ट न्यू मेंबर है ना सिंस सीपी टीपीपी वॉज क्रिएटेड इन टू एंड दस्ट यूरोपियन कंट्री इन दी ब्लॉक अब देखो फर्स्ट फर्स्ट आ गया यह सडनली इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी यहां पर खेलना शुरू कर देता है कि फर्स्ट फर्स्ट है या नहीं और यूपीएससी चाहे इसको नजरअंदाज कर भी दे पूरे टॉपिक को लेकिन आ, ये जो हमारे एच सी एस वगैरह एग्जाम है ये जो पी सी एस एग्जामिनेशन होती है तो इनके अंदर इसके आने के चांसेज है वो काफी ज्यादा है दूके इज द फर्स्ट नॉन फाउंडिंग मेम्बर टू ज्वाइन दीपी टीपीपी एंड द सेकेंड बिगेस्ट इकोनमी इन द्लॉक आफ्टर जापान राइट right? ये जो बी एल ओ सीके वाला जो ब्लॉक होता है इसका मतलब होता है एक कंट्रीज uh, की या फिर पॉलिटिकल पार्टीज की एक एसोसिएशन जिनके सिमिलर इंटरेस्ट हो उसको ब्लॉक का नाम दिया जाता है ठीक है तो ये जो ब्लॉक है इसके अंदर यूके विल बी द फर्स्ट कंट्री जो कि नॉन फाउंडिंग मेंबर थी जिसका मेंबर बनेगा है ना और सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी यूके से बड़ी इकॉनमी किसकी है जापान की ठीक है जापान इसका ऑलरेडी जो है वो मेंबर है ठीक है जी आपने ये याद रखना चलिए आगे चलते हैं द ब्लॉक विच इज होम टू फाइव हंड्रेड मिलियन पीपल विल बी वर्थ फिफ्टीन परसेंट ऑफ द ग्लोबल जी डीपी वंस दूके ज्वाइंस ठीक है जो हमारा जी ट्वेंटी कंट्रीज है दे रिप्रेजेंट अराउंड एट्टी फाइव परसेंट ऑफ द ग्लोबल जी डी पी राइट और ये वाला जो ब्लॉक है ये कितना कर रहा है पंद्रह परसेंट ऑफ द ग्लोबल जीडीपी कब जब यूके ज्वाइन हो जाएगा उसके बाद में द एग्रीमेंट बिटवीन यूके एंड ट्रांस पैसिफिक कंट्रीज विल नाउ नीड टू बी रेटिफाइड बाई द वेस्ट मिनिस्टर एंड ईच ऑफ सीपी टीपीपी कंट्रीज उसके बाद में ये इसका मेंबर बन जाएगा पर क्योंकि इतनी जोर शोर से न्यूज आई है तो इसको ऐसा नहीं है कोई रेटिफाई नहीं करेगा ऐसा कोई ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी ये बन जाएगा इसका अब इसका मेंबर बन जाएगा द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेट दैट द डील वुड मीन दैट मोर देन ऑफ ब्रिटिश ब्रिटिश क्या क्या मेन एक्सपोर्ट करता है चीज कार्स चॉकलेट मशीनरी जिन एंड ये एल्कोहलिक है। वुड हैव जीरो ताकि जब ये एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां इनको टैरिफ नहीं भरना पड़ेगा है ना इसका मतलब क्या हुआ कि जिस कंट्री के अंदर ये जा रहा है डेस्टिनेशन जहां पे बनेगी वहां पे जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो हाईली कंपेटिटिव बन जाएंगे उनकी मार्केट में तो बेसिकली यूके क्या बोलना चाह रहे यहां पे कि हम अपनी इंडस्ट्री को और बड़ी मार्केट दे रहे हैं राइट right? तो इसमें होम कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वो डिपेंड करता है लेकिन मार्केट एक्सेस जरूर बढ़ेगा है ना अब मार्केट एक्सेस को यूटिलाइज कैसे करते हैं वो देखने वाली बात है अलग अलग कंट्रीज अलग अलग इंडस्ट्रीज का अलग अलग मेथड होता है, है चलिए आगे चलते हैं ये जो मैं आपको बता रहा था ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर शायद सवाल आ सकता है आ गया तो आप लोगों की बल्ले बल्ले हो जाएगी आपको बहुत मजा आएगा दीपी टीपीपी स्टार्टेड एज अ ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप मैंने बताया था टीपीपी के नाम से आया था विद द नेगोशिएटिंग टू ज्वाइन अंडर द ऑफ देजिडेंट ओबामा है ना और ये लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड डील बन जाती है अगर यूएस ज्वाइन कर लेता लेकिन दो हजार सतारह में प्रेजिडेंट ऑफ विड्रू फ्रॉम द डील ऑन हिज फर्स्ट डे इन द ऑफिस

थ्री है नंबर यू गेट वीकली क्लासेस ठीक है दो क्लासेस होती है मॉड्यूल गेट्स कवर्ड कंप्लीटली इसके बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती जिसके बाद रजिस्टर बनता है है ना क्योंकि सारे न्यूज पेपर कवर करने के बाद में उसको दो तीन लोगों के थ्रू क्यूरेट करने के बाद में आपके पास वो कंटेंट आता है जिसके अंदर डायनेमिक स्टैटिक सब कवर्ड होता है तो लास्ट में साल के एंड में आपके पास एक रजिस्टर बनता है आप खोल के जब रिवाइज करोगे आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह रिवाइज हो जाएंगे कुछ भी फालतू करने की जरूरत नहीं है नंबर टू यू गेट वीकली पीडीएफ अगेन ये भी कंटेंट क्यूरेट होकर आता है आपको हफ्ते की एक पीडीएफ मिलती है उसके अंदर सारा कंटेंट होता है पतली सी पीडीएफ वो आएगी कम पेजों की और सब कुछ क्यूरेटेड एंड यू जस्ट हैव टू रीड इट और आपका करंट अफेयर्स का मामला पूरी तरह डन है इन दो के बाद इन दोनों को पक्का करने के लिए वैलिडेट करने के लिए या पुख्ता करने के लिए वी हैव वीकली टेस्ट एज वेल जो कि इन्हीं के ऊपर बेस्ड होगा, तो आपकी रिवीजन प्लस वैलिडेशन दोनों आपके साथ में एक साथ में हो जाती है so अगर आप लेना चाहो, तो एक बारी क्वालिटी ऑफ क्लास देखो अगर आप लोग काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं आपको समझ में आएगा कि कितना जरूरी है एक राइट सोर्स को उठाना अदरवाइज भरा पड़ा इंटरनेट जंक के जंक के थ्रू राइट right? तो आप खुद क्वालिटी एक्सेस कीजिए इसकी एक्सेस कीजिए आइए क्लास में है ना एक दो तीन क्लासेस लगाइए जितने आपको मन करे डेज का फ्री ट्रायल है पीडीएफ्स वगैरह देखिए एंड उसके बाद डिसाइड कीजिए की कि कंटिन्यू करना है या नहीं चलिए यूके के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी अब ये देखो थोड़ा तो स्टेटिक्स का पार्ट बन गया कि हम देख रहे हैं कि एक इकोनॉमिक डील हुई है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस रही किसी भी कंट्री के लिए तो आपने सिर्फ उस एंगल से देखना है इसके फिगर्स याद करने की जरूरत नहीं है जीडीपी की वो बोल रहे हैं कि जीडीपी को बूस्ट मिलेगी ऑब्वियसली जीडीपी को बूस्ट मिलेगी है ना तो वो क्या क्लेम कर रहे हैं यूके वाले कि वुड ऐड 1.8 बिलियन उनकी जीडीपी के अंदर यानी कि 2.2 बिलियन डॉलर्स है ना एनुअली टू यूके इकोनॉमी इन दी लॉन्ग रन है ना और 0.08 पॉइंट की जो उनके बूस्ट है जीडीपी को मिलेगा एक डील से अगर इतना मिल रहा है तो भी ये बहुत डिसेंट एक बूस्ट है कि एक डील के थ्रू आपको इतना मिल रहा है हाउ एवर दी स्टेटमेंट आर गिवन बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऐसी स्टेटमेंट्स दे देती होती है ताकि उसकी जो एक्सेप्टेंस uh, है उसकी uh, करी हुई चीज की उसके डिसीजंस की वो बढ़ जाए लोगों के बीच में है ना और पोस्ट ब्रेक्सिट फ्रीडम प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक डिस्क्राइबिंग द आउटकम एज एन एग्जांपल ऑफ पोस्ट ब्रेक्सिट फ्रीडम्स है ना अब वो यूरोपियन यूनियन के कस्टम्स और उनके लॉज के थ्रू बाउंड नहीं है तो ये फ्रीडम है ये वो कहते हैं कि हम फ्रीडम का इजहार कर रहे हैं गेट वे टू इंडो पैसिफिक इस मार्केट में गेटवे है ये एक दरवाजा है यहां पे इस मार्केट को एक्सेस करने का है ना और बेनिफिट्स टू कंपनीज है ना और जब एक बार बोल रहा है कि वंस ब्रिटेन बिकम्स अ मेंबर ऑफ द ब्लॉक यूके फर्म्स विल नॉट नीड टू एस्टेब्लिश अ लोकल ऑफिस और बी रेजिडेंट टू प्रोवाइड सर्विसेज जो यूके की कंपनी है उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है उसको एक्जैक्टली exactly एक्सेस मिल रहा है उसको वहां दफ्तर खोलने की जरूरत नहीं है वहां बंदे भेजने की जरूरत नहीं है वहां वहां पे पे अलग से उसको रजिस्टर करवाने की जो है है जरूरत नहीं एंड द थिंग दैट आई वॉज टेलिंग यू अबाउट ये आ, हमारे यहां पे जो ट्रेड है जो मैं आपको बता रहा था कि आरसेफ सी पी और एशियान राइट ये तीन जो है वो इंपॉर्टेंट हमारे ट्रेड ब्लॉक्स हैं राइट इनके अंदर एक छोटा सा ओवरलैप है है ना इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आई थिंक वीडियो के अंदर ना लास्ट में एक कंट्री जो है वो कट रही है यहां पे फिलीपींस लिखा हुआ है लेट मी राइट इट हेयर वी हैव फिलीपींस एशियान में एंड एक और कंट्री जो मिसिंग है दैट इज कौन सी कंबोडिया इंडोनेशिया लाओस, म्यांमार हो गया फिलीपींस थाईलैंड वी हैव थाईलैंड ठीक है जी, एशियान में थाईलैंड और फिलीपींस भी हैं, आपके शायद में कट रहा होगा इसका एक आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर इसको कहीं बना लीजिए इसके ऊपर भी आपको सवाल देखने को मिलेगा कि आरसेप और सीपीटीपीपी में कौन कौन सी कंट्रीज कॉमन है ना? तो वी है या वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे सवाल भी पूछ सके देर आर थ्री कंट्रीज कॉमन बिटवीन आरसेप एंड सीपीटीपीपी देर आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देर आर सेवन कंट्रीज कॉमन बिटवीन सी पी टीपी और मिल सकते हैं तो ये आप जरूर एक बारी प्रिपेयर इसको जरूर कीजिएगा स्क्रीन शॉट ले लीजिए ऑल राइट थैंक यू सो मच और लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक चीज बोलूंगा अगर आप सेवन डेज का फ्री ट्रायल ले रहे हैं और लास्ट में मन में कोई uh, हल्की सी झिझक है कि लेना है या नहीं लेना है Let me tell you that Abhimanyu IAS is a platform that prepares you for your UPSC and various PCS examinations. It has more than 23 years of experience in this particular field, and has given out more than 2200 positive results since 1999. Right? The number speaks for themselves. Thanks for watching. Take the trial. Link is down there. Uh, click on it. And my name is Rohit Garcha. The series is called To the Point.